सुनो मेरी जान, कुछ चीजें बहुत सुकून देती हैं और उसमें तुम्हारा चेहरा सबसे पहले आता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खरी से होंगे। तो आज एक और टिकटॉक का नया ट्रेंडिंग उर्दू लेट स्टेटस वीडियो लेके आ चुका हूँ, जो कि आप सिंपल स्क्रीन में देख चुके हैं। तो अगर आप भी इस तरह का ट्रेंडिंग और ऑसम स्टेटस बनाना चाहते हैं तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो में इसका मुकम्मल डिटेल बताऊँगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। जी तो फ्रेंड, ये टिकटॉक की एक आईडी है मशहदादा राइट्स और दूसरी आईडी है अदनान टाइपिस्ट 91। तो इस तरह के स्टेटस बना रहे हैं और भी काफ़ी सारी आईडी हैं। तो जिस भाई ने मुझे स्टेटस भेजे थे उसने दो आईडी मुझे बताई थी कि यार इस तरह के स्टेटस जो है ये बना रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। और भी बहुत सारी आईडी हैं जो इस तरह के स्टेटस बना रहे हैं। तो फाइनली आज की वीडियो में मैं आपको इसका मुकम्मल ट्यूटोरियल दूंगा। तो अगर आप भी किसी स्टेटस का ट्यूटोरियल चाहते हैं या कोई से मटेरियल चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर दबाएँ तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टेटस के लिए हम लाइट मोशन ऐप का यूज़ करेंगे। तो आपने लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास लाइट मोशन है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से जाकर आपने डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपने प्लस पे टैप करके और जौन से रेशो में वीडियो बनाना चाहते हैं आपने वो सिलेक्ट कर लेना। मैं 9.60 वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने अपना कोई सी भी वीडियो ले लेनी है, जौन सी वीडियो पर आप जो है वो बनाना चाहते हैं। तो प्लस पे टैप करके गैलरी में आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने ये वीडियो ले लिया, तो आप अपने हिसाब से जौन सी वीडियो लेना चाहें ले लीजिएगा। तो इस पर जो ब्लैक इफेक्ट यूज़ हुआ हुआ है, तो अगर आप वो भी जो है अपनी वीडियो पे लगाना चाहते हैं तो उससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आपकी वीडियो को आई कार्ड दे दूंगा, आपने वो देख के और ऐसे जो है वो अपना ब्लैक इफेक्ट लगा के अपनी वीडियो को रेडी कर लेना है। उसके बाद आपने अपना हिसाब से सॉन्ग जो है आप ऐड करना चाहें, जो उनकी पोट्री आप ऐड करना चाहें, जिस पर आप यानी कि लिरिक्स लिखना चाहते हैं आपने वो ऐड कर लेना है। तो मेरा जो है इस वीडियो के साथ लगा हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सुन लेना है कि आपके लिरिक्स कहाँ तक हैं। तो मेरा पहला लिरिक्स यहाँ तक है, उसके बाद दूसरा यहाँ तक है और तीसरा जो है वो यहाँ तक है। कुछ इस तरह से मेरे लिरिक्स हैं, आप अपने हिसाब से इसकी जो है वो लिरिक्स चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपने प्लस पे टैप करके टेक्स्ट में आ जाना है और जौन से आपके जो है वो लिरिक्स हैं, जैसे कि मेरा ये है तो मैं कॉपी की हुआ मैं पेस्ट कर लेता हूँ, आप अपने लिरिक्स लिख लीजिएगा। उसके बाद सेंटर लाइन करके फॉन्ट में आके आप अपनी मर्ज़ी से जौन सा फॉन्ट यूज़ करना चाहें कर लीजिएगा। मैं उर्दू हमाद नाश्तलिक यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके बाद इसको साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। इंक्रीज़ करने के बाद आपने क्या करना है कि चेक कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद आपने इसको बढ़ा के और जितना आपका यानी कि आपके जो हैं वो हैं आप चेक कर लीजिएगा, जितने आपने बीट मार्क लगाए। मैंने जस्ट 3 बीट मार्क लगाए हैं, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 3 डॉट पर टैप करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है। और जो डुप्लीकेट फाइल है आपने इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा लेना है, तो कुछ इस तरह से आप अपने हिसाब से यानी कि चेक कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा और मज़ीद नीचे कर लेते हैं ऐसे, और अब हमारा जो है वो सेंटर में आ चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने एडिट करके और कोई सी भी आपने इमोजी सेलेक्ट कर लेनी है। ये वाली मैं लगा लेता हूँ। उसके बाद जो है वो कलर में आके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसका जो है साइज़ थोड़ा सा आपने छोटा कर लेना है कुछ इस तरह से। तो आपने इसकी अच्छे से सेटिंग कर लेनी है अपने तमाम लिरिक्स की। आपने एक दफ़ा सेटिंग करके उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इधर से कट कर लेना है, इसको इधर से कट कर लेना है, आपने इसको भी इधर से कट करके यानी कि आपने अपने तमाम लिरिक्स जो है वो कट कर लेने हैं। तो इनको भी इधर से ऐसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद ना हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस पर एनिमेशन वगैरह लगानी है। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, मूव एंड टसर में आके आपने एक सेंटर में प्लस की लगा देनी है। इसको थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट पे एक प्लस की लगा लेनी है, उसके बाद एक स्टार्टिंग पॉइंट पे एक प्लस की लगा लेनी है कुछ इस तरह से। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको जिधर से यानी कि आप मूव कराना चाहते हैं, अगर आप चाहें तो आप डाउन से भी कराना चाहें करा सकते हैं। आपसे आपने जिस हिसाब से अपना जो है वो डाउन आप लेफ़्ट राइट यहाँ से करना होगा आपने वो कर लेना। उसके बाद आपने इसको भी वापस कुछ इस तरह से इधर ले आना है। इतना हमारा काम कम्प्लीट होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, कर्व में आ जाना है और इसको आपने ऐसे कर्व दे लेना है
और 3 डॉट पर टैप करके आपने कॉपी कार्व कर लेना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो है वो कुछ इस तरह से आपने नीचे कार्व दे लेना है। तो ये आपके पास कुछ इस तरह शो होगा। तो अभी आपने इस पर रोटेशन देनी है, तो आपने क्या करना है वही सेम एक सेंटर में प्लस की लगा के एक स्टार्टिंग पे और एक एंड पे प्लस की आपने लगा देनी है। तो आपने स्टार्टिंग पे आके आपने जिस हिसाब से इसकी एनिमेशन जो है रोटेशन देना चाहें आप चेक कर लीजिएगा। मैं इधर -10 कर लेता हूँ, ये आपके पास कुछ इस तरह से शो होगा। तो आपने क्या करना है, जो आपने इमोजी है इमोजी पे सेम वही करना है कि आपने एक प्लस की इधर लगा के एक प्लस की इधर लगा के, तो आपने एक प्लस की इधर लगा के इसको जो है वो कुछ इस तरह से इधर मूव कर लेना है। उसके बाद आपने इसको भी आपने कुछ इस तरह से इधर मूव कर लेना। ये आपके पास रेड लाइन शो हो रही है, तो जैसे ये सेंटर में होगा तो आपको ये रेड लाइन दे देगा। इधर भी चेक कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं ये सेंटर में हो चुका है। अभी सेम आपने वही इस पर भी कर्व देना है, पेस्ट कर्व कर लेते हैं। उसके बाद इधर भी जो है वो पेस्ट कर्व करके इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आपने इसको रोटेशन में आके और अपने हिसाब से, सॉरी इस पर प्लस की लगाई नहीं है तो इसको जो है वो 0 कर लेते हैं। एक प्लस की इधर लगा के एक प्लस की इधर लगा के एक प्लस की इधर लगा के, तो आपने इसको कुछ इस तरह से -10 कर लेना है और जो स्टार्टिंग पे है आपने +10 में इसको दे लेना है कुछ इस तरह से। ये आपका लिरिक्स है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप सेम लगाना चाहें तो आप इनको जो है वो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहें तो आपने क्या करना है, फिर इससे आपको अलग लगानी पड़ेगी। तो जैसे कि ये है एक प्लस की इधर लग गई हमारी जो है वो एक प्लस की इधर लग गई, उसके बाद एक प्लस की हमारी इधर लग गई। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट पे आके आपने जो है वो इसको थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसे मज़ीद आप आगे कर लीजिएगा कि ताकि आपको जो है वो सही से नज़र आ सके। तो आपने इसको इस तरह कर लेना है सेंटर में आके और इसको आपने वापस फिर इधर ले जाना है। उसके दरमियान में आपने जो है वो कर्व दे लेना है, यानी कि ऐसे, और इसके भी सेंटर में आपने कर्व दे लेना है। इसकी आपने जो है डायरेक्शन चेंज कर लेना। उसके बाद ये प्लस की एक इधर एक इधर, बहुत ईजी है फ्रेंड। आपने जस्ट वीडियो को ध्यान से देखना है, एक दफ़ा आपको समझ आ गई तो फिर जो है वो पहली दफ़ा हमने जो है वो माइनस प्लस में दी थी या माइनस में, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, मुझे सही से याद नहीं आ रहा। तो इसकी ड्यूरेशन तो ये हमारा प्लस में था, तो अब जो है वो इसको माइनस कर लेते हैं। इसकी इधर से आके इसको जो है वो -10 कर लेते हैं और इधर से आगे आके लास्ट पे इसको +10 में कर लेते हैं +10। तो अब जो है वो ये रह गया, इस पर भी वही सेम एक प्लस की इधर बाद एक प्लस की सेंटर में और एक प्लस की एंड पे। तो इसको जो है वो प्लस की थोड़ा सा से आगे कर लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको जो है वो कुछ इस तरह से इस तरफ मूव कर लेना है। उसके बाद इसको भी वापस इस तरह से इधर ऐसे मूव कर लेना है, इनके सेंटर में कर्व दे लेना है पेस्ट कर्व और इधर भी पेस्ट कर्व, इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेनी है। इसकी रोटेशन में आके प्लस की और एक प्लस की इधर लगा के और -10, उसके बाद इसको जो है वो +10 कुछ इस तरह से। अब आपने इसकी को उठा के इसे आगे कर लेना है कुछ इस तरह से। तो अभी ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो होगा। सॉरी इसकी जो है वो नाम चेंज की ही नहीं, जो हमारा आगे वाला लिरिक्स है। तो आगे वाला हमारा लिरिक्स वो चेक कर लेते हैं कौन सा है कुछ इस तरह से। अब इसके इस तरह कर लेते हैं और जो ये है इमोजी इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी इमोजी लगाना चाहें लगा लीजिएगा, बिलफर्ज यही लगा लेते हैं। तो यानी कि आपने क्या करना है कि आप जिस तरह इसकी जो है डायरेक्शन देना चाहें, जहाँ से लेफ़्ट राइट अप डाउन, आपने सेम यही तरीका करना है। तो मैं जल्दी से अपने लिरिक्स कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि आपका कीमती वक्त बच सके। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने जो है वो लिरिक्स कंप्लीट कर ली हैं। तो आपने इसी तरह अपने जो जौन सी एनिमेशन आप लगाना चाहें लेफ़्ट राइट से जैसे आप लगाना चाहें आपने वैसे लगा लेनी है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर एक फ्लैश लाइट ब्लैक स्क्रीन यूज़ हुई हुई है तो वो ऐड कर लेनी है। तो प्लस पर टाइप करके फ्रॉम गैली में आ जाना है। तो ये जो है वो ब्लैक स्क्रीन है फ्लैश वाला, सॉरी आपने इसको क्या करना है कि आपने ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में आके लाइटेन में आके आपने इसको स्क्रीन कर लेना है और ये आप
देख सकते हैं ये जो है वो मशवरा दादा राइट वाला ज़्यादा यूज़ कर रहा है, बाकी भी काफ़ी आईडीज़ वाले इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने चेक कर लेना है। तो ये हमारा सॉरी यहाँ तक है, तो इसको ऐसे आगे से ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम करने के बाद आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने एनिमेशन जो है वो इस तरफ से लगाई है, और ये हमारी जो है वो डाउन से अप हो रही है। ये देख लें, एक साइड से, ये दूसरी साइड से, ये फिर एक साइड से, और ये फिर दूसरी साइड से। तो आप इस तरह अपना जो है हिसाब से लगा लीजिएगा। तो हमारा स्टेटस जो है रेडी हो चुका है, मैं आपको प्ले करके चेक करा देता हूँ। दुनिया से एक कदम पीछे ही से, पर खुद के दम पर चलता हूँ। तो इस तरह आपने अपना स्टेटस बना लेना, उसके बाद जस्ट आपने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आपने वीडियो पे टैप करके 720p 1080p आपका जो मोबाइल सपोर्टेड, उसके बाद आपने फ्रेम रेट इसका जो है वो फुल करके क्वालिटी हाई करके इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो फ्रेंड हमारी वीडियो एक्सपोर्ट ना स्टार्ट हो गया। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्प हो रही होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। अगर चैनल पर दबाएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।